तो भैया कैसे हो सब लोग, उम्मीद है बढ़िया होगे। तो दो बड़े ब्लॉकबस्टर्स वो भी एक ही साल में लपेट लेने के बाद SRK इज बैक विद इस थर्ड आउटिंग डंकी एंड मैं जस्ट अभी इसे देख के लौटा हूँ। अब इस फिल्म का जो प्रमोशनल मटेरियल था जो कि ड्रॉप्स के नाम से रिलीज किया गया, टू बी ऑनेस्ट उसने मेरे अंदर फिल्म के लिए कोई बहुत खास हाइप जनरेट नहीं करी थी, बट आई वॉज स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म एंड दी ओनली रीजन इज राजकुमार हिरानी, अ डायरेक्टर विद 100% ट्रैक रिकॉर्ड एट दी बॉक्स ऑफिस, जिसने हर बार अपनी क्रिएटिव राइटिंग, नुआंस्ड कैरेक्टर्स और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ हमें सिर्फ एंटरटेन ही नहीं किया बल्कि हमारे इमोशनल कॉर्ड्स को भी टच किया। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम डंकी एंड मैं कहूंगा दैट आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड। बट ओवरऑल ये मूवी है कैसी और इस मासी ईयर में जहां पे इतने सारे ह्यूमंगस प्रोजेक्ट्स आए, क्या इनके बीच में अपना एक इम्पैक्ट छोड़ने की काबिलियत ये फिल्म रखती है? क्या ये SRK की तीसरी हैट्रिक ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है? बात करते हैं इस मूवी के बारे में स्पॉइलर फ्री रिव्यू में, स्टे ट्यून्ड। अब फिल्म का जो बेसिक प्लॉट है उसके बारे में हमें ट्रेलर ऑलरेडी बता चुका है। कुछ आम लोग जिनका सपना है इंग्लैंड जाना एक बेटर लाइफ की तलाश में, एंड कैसे उनकी एजुकेशन और उनकी गरीबी एक मेजर हर्डल बनती है उनके इस ड्रीम के बीच में, एंड सारे रास्ते बंद हो जाने के बाद ये लोग फाइनली ऑप्ट करते हैं एक इलीगल इमिग्रेशन प्रोसेस को जिसका नाम है डंकी, एंड कैसे ये उनकी पूरी लाइफ को चेंज करता है यही फॉर्म करता है डंकी मूवी का बेसिक प्रेमिस। एट इट्स कोर डंकी इज अ प्योर राजकुमार हिरानी फिल्म और वो फिल्म के पहले फ्रेम से ही आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, जहां हर बार की तरह फिल्म ओपन होती है एक एंगेजिंग मॉन्टाज के साथ और उसको देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में तुरंत सवाल आना शुरू हो जाते हैं एंड नाउ यू आर क्यूरियस टू नो कि ये जो भी हम देख रहे हैं ऐसी क्या चीजें हुई विच ऑल लेड टू दिस। ओवरऑल एक लाइट हार्टेड और जॉयस टोन के साथ फिल्म शुरू होती है जहां पे राजकुमार हिरानी गिव्स यू सम टाइम टू गेट कंफर्टेबल विद हिज वर्ल्ड, ताकि जो इमोशनल रोलर कोस्टर अभी आगे शुरू होने वाला है उसके लिए तुम तैयार हो जाओ कि कैसे एक जॉयफुल वर्ल्ड से चीजें डाउनहिल जाना शुरू हो जाती हैं एंड तुमको पता नहीं चलता कि तुम कब ऑटोमेटिकली इस पूरे प्लॉट में इन्वेस्ट हो चुके हो। इवन ऐसी बहुत सी छोटी चीजें हैं फिल्म में जिनको एक इम्पोर्टेंट सेटअप और प्रॉपर बिल्डअप दिया गया है। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम ट्रेलर में देखते हैं कि SRK कुछ सोल्जर से लड़ रहा है एंड बंदूक भी चला ले रहा है, बट फिल्म स्टार्टिंग से ही इस बात को एस्टैब्लिश कर देती है कि वो एक फौजी है एंड नाउ इट ऑल मेक्स सेंस, एंड उसको देख के तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यार कुछ भी। एंड ऐसे ही सिमिलर तरीके से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट डिवाइसेज हैं जिनको छोटे लेकिन सिग्निफिकेंट सेटअप्स दिए गए। फिल्म के कैरेक्टर्स की बात करूं तो दे आर डिजाइंड इन द सेम राजू हिरानी फैशन, जहां हर कैरेक्टर के दो डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं। एक डायमेंशन जहां पे वो एक सॉलिड कॉमिक रिलीफ की तरह वर्क करता है, अनरियलिस्टिकली क्रेजी है, बट उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स भी हैं जिसको देख के आप रिलेट कर पाते हो। एंड वहीं दूसरा डायमेंशन जहां पे ये सेम कैरेक्टर्स तुमको इमोशनल सीन्स में गूज़बम्प्स देने की काबिलियत रखते हैं। एंड मुझे नहीं पता कि राजू हिरानी ऐसा कैसे करते हैं, बट ही डज इट विद एवरी कैरेक्टर ऑफ हिज फिल्म, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। फिल्म की ह्यूमर की बात करूं तो फिल्म में दो तरह की ह्यूमर एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट वर्क्स एज अ स्ट्रॉन्ग सूट इज द सिचुएशनल कॉमेडी इन दिस फिल्म, एंड वो इतनी जबरदस्त है लिटरली, मतलब जैसे लोग थिएटर में हंस हंस के पागल हो रहे थे, इट वॉज समथिंग एल्स। एंड क्लीन ह्यूमर को यूज करके वो भी आज के टाइम में ऑडियंस को थिएटर में हंसा के पागल कर देना शोज द कैपेबिलिटी ऑफ राजू हिरानी एज अ राइटर। एंड वहीं दूसरी तरफ फिल्म का जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो इतना डीप और इम्पैक्टफुल है कि दिल को चीर के चला जाता है। एंड अगर इस फिल्म के स्टेक्स के बारे में बात करूं या फिर ये कह लो कि फिल्म के जो डार्क और इमोशनल मोमेंट्स का जो लेवल है वो आज तक की राजू हिरानी की सारी मूवीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है, एंड इट सीम्स अ बिट मोर हार्ट रेंचिंग दिस टाइम। ये फिल्म तुम्हें जितना हंसाएगी उतना ही रुलाएगी भी। फिल्म के सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं एंड किसी भी सॉन्ग का प्लेसमेंट फोर्स नहीं लगता है। इनफैक्ट फिल्म के नैरेटिव को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने में ये और हेल्प करता है। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो SRK एसेस हिज कैरेक्टर एज हरदयाल सिंह ढिल्लन, एंड जहां हमने उन्हें इस साल प्योर मासी एंड एक्शन अवतार में देखा, सीइंग हिम प्ले अ कैरेक्टर लाइक हार्डी उसी सेम ईयर में फील्स लाइक अ ह्यूज कॉन्ट्रास्ट, एंड इट शोज कि SRK इवन विद ऑल हिज स्टारडम आज भी आर्टिस्टिक चैलेंजेस से पीछे नहीं हटते हैं। आई मीन अगर तुम देखो तो वो तीसरी फिल्म भी अपनी एक एक्शन मूवी कर सकते थे जो कि 100% ब्लॉकबस्टर होती, बट हिम गोइंग फॉर अ फिल्म लाइक डंकी शोज हिज लव एज वेल एज डेडिकेशन फॉर द आर्ट। विकी कौशल एज सुखी मेरी नजर में इज द बिगेस्ट सरप्राइज पैकेज ऑफ दिस मूवी। उनका रोल छोटा है बट फिल्म के प्लॉट के पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है फिल्म में होने वाले इवेंट्स के लिए, एंड इतने छोटे से स्क्रीन टाइम में भी ही शाइन्स लाइक अ ब्राइट स्टार, जहां बाकी के एक्टर्स कहीं ना कहीं SRK के साथ रह के ओवर शैडो हो जाते हैं, बट ही इज द ओनली एक्टर हु गेट्स टो टू टो विद हिम। इनफैक्ट एक सीन है जहां पे सब लोग बिल्कुल नशे में होते हैं, वहां पर तो वो SRK को भी ओवर शैडो कर देता है, एंड दैट सेज अ लॉट अबाउट विकी कौशल एज एन एक्टर। तापसी पन्नू यार दिल ले गई वो, कितनी प्यारी लगी इस फिल्म में, एंड जो एक ओवरऑल पंजाबी कुड़ी वाला जो उनका लुक है वो बहुत सूट करता है उनके ऊपर, एंड अपने पूरे करियर में शी हैज लुक्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल दिस टाइम। क्या खा लिया भाई अचानक से। एंड एज अ परफॉर्मर शी इज ऑल्सो अमेजिंग स्पेशली इन द सेकंड हाफ। बोमन ईरानी, विक्रम कोचर एंड अनिल ग्रोवर भी अपने रिस्पेक्टिव रोल्स में बढ़िया है, एंड विक्रम कोचर रियली हैज सम ग्रेट कॉमेडिक मोमेंट्स जिन्हें देख के मजा आई मुझे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिल्म के सेट डिजाइन
डिजाइन काफी ज्यादा अच्छे हैं एंड जो एक ओवरऑल राजकुमार हिरानी ने रिसर्च पुट करी है इस पूरे इमिग्रेशन वाले टॉपिक पे वो भी नजर आता है इस फिल्म में साफ साफ द वे ही शोकेस की हाँ सच में ऐसी कोई चीज है जो एग्जिस्ट करती है एंड हमको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसके बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं एंड हमेशा की तरह एक और इम्पोर्टेंट सोशल इशू को ये फिल्म हाईलाइट करती है विद द मच नीडेड इम्पैक्ट। जैसा कि मैंने बताया फिल्म में दो तरह के ह्यूमर एग्जिस्ट करते हैं, एक है सिचुएशनल कॉमेडी विच वर्क्स रियली अमेजिंग एंड दूसरे हैं इसके जोक्स विच फॉल्स फ्लैट मोस्ट ऑफ द टाइम एंड तुम्हारे सामने से आके चले भी जाते हैं एंड यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि फिल्म के जोक्स आउटडेटेड हैं, फिल्म के राइटिंग में कोई कमी नहीं है, वो कंप्लीटली एंटरटेनिंग और कैप्टिवेटिंग है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि ये जो सेकंड हाफ में ये पूरा इमिग्रेशन वाला प्रोसेस है डंकी वाला, ये जो पूरा सब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया जा सकता था। जो एक सब्जेक्ट को डीपली एक्सप्लोर करने का लेवल होता है राजू हिरानी की मूवीज में, वो इस फिल्म में थोड़ा सा मिसिंग लगा एंड कुछ सीक्वेंसेस में फिल्म रश्ड भी लगती है जहां मुझे लगा कि थोड़ा और टाइम दिया जा सकता था। एंड माइंड इट, जो मैं यहां पे मिसिंग बता रहा हूं इसके एब्सेंस से आपके फिल्म के एक्सपीरियंस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट्स जस्ट कि मैंने जब इसका ट्रेलर देखा, इसके बारे में रिसर्च करी, तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि इस पूरे टॉपिक को थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लोर किया जाएगा, तो वो बस मेरा ओपिनियन है। डंकी इज डेफिनेटली अ फ्रेश एक्सपीरियंस इन दिस मास हिस्टीरिया ऑफ बिग मूवीज, सिंपल फील गुड येट हाई ऑन इमोशंस, एक कंप्लीट एंटरटेनर। और जितना भी ट्रेलर ने हमको दिखाया ये फिल्म उससे कई ज्यादा ऑफर करती है जो कि तुम्हारे दिमाग में काफी लंबे समय तक रह जाएगा। क्या ये एक ग्रेट राजू हिरानी मूवी है? यस। क्या ये ग्रेटेस्ट राजू हिरानी मूवी है? नो। क्या ये इस साल के SRK के फिल्म लाइनअप्स का वो तीसरा इक्का है जिसको हम पठान और जवान जितना ही एंजॉय करने वाले हैं? Definitely yes. तो ये थे मेरे thoughts इस फिल्म के ऊपर, और अगर तुम फिल्म देख चुके हो तो कमेंट बॉक्स में अपने thoughts जरूर से बताना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। Till then, this is a Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video.